अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल एजी अंसारी में। दोस्तों, चीली ऐप के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप किस तरह चीली ऐप पर अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको सारे मैथड नहीं बताए थे अर्निंग के, जस्ट अकाउंट क्रिएट करने का मैथड बताया था और NFT को जो फ्री में आपको NFT मिलता है उसको क्लेम करने का मैथड बताया था। अगर आप बिगनर हो, नहीं पता चीली ऐप के बारे में, तो चीली ऐप भी बिल्कुल टिकटॉक स्नैक वीडियो की तरह की शार्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, यहाँ पर आपको अर्निंग भी होती है। अगर आप फीड देखते हो 30 मिनट के लिए फीड देखते हो तो एक बॉक्स ड्रॉप होता है ऊपर से, आप उस बॉक्स को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर जो चील टोकन मिलते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो ली टोकन मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप चील टोकन और ली टोकन को कैसे अर्न करोगे और उसको कैसे विड्रॉ करवाओगे। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिगनर हो, नहीं पता चीली एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, NFT बॉक्स को कैसे क्लेम करना है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का मिल जाएगा। आपने सबसे पहले उस वीडियो को जाकर वॉच करना है। यहाँ पर सब कोई आपको यहाँ पर बताएगा चीली ऐप के बारे में, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन वही बंदा आपको बता सकता है जिसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज होगा। क्योंकि ये जो चीली ऐप है, इस पर अकाउंट तो हर कोई बना लेगा, चील टोकन भी अर्न कर लेगा, लेकिन उसको विड्रॉ करने का मेथड नहीं आएगा। उसको ये नहीं पता होगा कि NFT क्या होता है, उसको ये कैसे यहाँ पर अर्निंग के लिए यूज करना है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करता, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, सब कुछ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरह आप यहाँ से आप अर्निंग होने वाली है और किस तरह आप जो है यहाँ से विड्रॉवल ले सकते हैं। जी तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने करना क्या है, प्ले स्टोर पर सीधा जाना है। अगर आपने अभी तक चीली ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से आप इसको यहाँ पर जो इंस्टॉल कर लीजिए और अपना कंटेंट डालना शुरू कीजिए। कॉपी पेस्ट मारें तो चलेगा अभी के वक्त के लिए। अगर आप रियली कंटेंट क्रिएटर है, आपका अपना कंटेंट है, तो फिर तो आपके लिए यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तो इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर ओपन मेरे सामने इसलिए आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है पिछली वीडियो को देखते हुए, अगर आपको यहाँ पर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर जो है NFT क्लेम करने का, जो कि फ्री में अभी के वक्त के लिए जो अर्ली यूज़र आएंगे उनको मिलेगा। अब सारी गेम जो है यहाँ पर अर्निंग के बारे में जो है वो कह ले के सारी की सारी जो NFT के गिर्द ही यहाँ पर घूमती है। अगर आपके पास NFT होगा तो फिर ही आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्ली यहाँ पर एक इनका एयर ड्रॉप समझ लें या कुछ गिव अवे समझ लें, ठीक है, ये अभी के वक्त के लिए जो अर्ली यूज़र हैं पहले पहले आ रहे हैं उनको यहां पर जो है फ्री में एक NFT यहां पर जो है ये दे रहे हैं। अब इन NFT को सबसे पहले आपने समझना है, उसके बाद आपको बाकी बातें बताता हूं। देखिए, आपको यहां पर अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये NFT क्या होते हैं। NFT है नॉन फंजिबल टोकन, सिंपल मैं आपको ये इसकी जो है फुल फॉर्म बता रहा हूं। बाकी अगर आप समझाने की बात करूँ NFT के बारे में तो इस टॉपिक में ये बात मैं क्लियर नहीं करने वाला। जस्ट आपको अभी के वक्त के लिए ये समझना कि आपके पास ये NFT होगा तो आप फिर ही यहां से जो है वो अर्निंग कर सकते हो, NFT के बगैर यहाँ से आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो पिछली वीडियो में मैंने NFT को क्लेम करने का मेथड भी बताया। देखिए दोस्तों, इन NFTs के लेवल भी होते हैं। एक तो NFT आपको यहाँ पर फ्री में मिल गया है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में आपको यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन नजर आता है, यहाँ पर जो है आपको और NFT भी नजर आएंगे। आप चाहें तो यहाँ से अर्निंग करके इन NFTs को परचेज भी कर सकते हैं और बाय करने के बाद इसको सेल भी कर सकते हैं। ये एक मार्केट प्लेस है इनकी, ठीक है। ये फ्री वाला जो NFT आपको मिला, ये बाद में अगर आप इसको भी चाहें तो सेल आउट कर सकते हैं। ये अभी जो है मैं इसको यहाँ पर यूज़ नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद इसको यूज़ भी कर सकता हूँ, जिससे जो है वो मेरी ये सारी एनर्जी पावर सब कुछ मुझको यहाँ पर जो इसका लेवल वो शो करवा रहा है। अब लेवल जो है वो यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग NFT फ्री में मिला है, इसका लेवल जो है वो 0 है। अगर आप परचेज करोगे तो इसका लेवल भी बढ़ जाएगा। इसके लेंसेज होते हैं, रडार होते हैं, बैटरी होती है, मेमोरी होती है, फ्रेम होते हैं। ये हर जो NFT होगा इसकी अपनी ही कैपेबिलिटी होगी। यहाँ पर ये फ्री में मिला है, फ्री में भी आपको यहाँ से अर्निंग करके ये NFT देगा। अब आपको यहाँ पर अर्निंग कैसे होगी, सिंपली आपको फेड में आना है। फेड में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है मैं भी आपको बताता चलूँ, तो आपको यहाँ पर ये शॉर्ट वीडियोस देखनी है। अब ये इस तरह ये आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आप 30 मिनट के लिए ये शॉर्ट वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स आएगा, आपने उस बॉक्स को ओपन करना है, उसमें से आपको टोकन मिलेंगे। यहाँ पर आपको ली टोकन मिल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर डायमंड मिल सकते हैं। डायमंड जो है वो NFT के लिए यूज़ होंगे, उससे आपके NFT की जो लेवल है वो अपग्रेड होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको चील टोकन मिल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको USDT मिल सकते हैं। अब एक चील टोकन की क्या प्राइस है मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है काम करना है विड्रा के लिए, अगर आपने विड्रा करवाना है या अपने ली टोकन को एक्सचेंज करवाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोफाइल में आने के बाद क्या करना है,
तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले चूंकि मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको यहाँ पर चील टोकन की क्या प्राइस है वो भी बताऊंगा। एक इनका टोकन है ली, वो भी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, वो जस्ट आप में आपको ऐप में ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो चील टोकन में। एक चील टोकन की जो इस वक्त प्राइस है वो $6.29 की है, और आप इसी टोकन को उसी ऐप में से विड्रा करवा सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर मैथड भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पर विड्रा किस किस एक्सचेंज में मिलेगा। यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आता हूँ, ये मोस्ट फेमस एक्सचेंजेस पर जो है लिस्ट भी हो चुका है। अभी यहाँ पर जो है ये चील टोकन आपको बिट मार्ट पर मिल रहा है, क्वाइंस बिट पर मिल रहा है। बिट मार्ट पर आप इजीली इस टोकन को ले जाकर सेल आउट कर सकते हो, वो मैं मेथड आपको आगे चलकर बता दूंगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है वीडियो को लाजमी देखना, इंफॉर्मेटिव भी है वीडियो, इसके साथ साथ जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरी वीडियोज लंबी ही होती हैं, लोग ज़्यादा देर तक जो है वो टिक नहीं पाते, लोगों के सरों से मेरी बातें गुजर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी मेरे साथ ऐसी जुड़ गई है जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना पता नहीं है। तो मैं ये नहीं आपको यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि आपको कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को देखा करें ताकि आपको यहाँ पर जो है नॉलेज भी मिले। मैं जस्ट ये काम नहीं करता कि भाई वीडियो बनाई इस तरह अर्निंग की, ये काम मेरे से नहीं होता, मैं सारी रियलिटी भी बताता हूँ, सारा मेथड बताता हूँ। मेरी ये एक जो कह ले कि बैड हैबिट समझ लें या फिर ये अच्छी आदत समझ लें। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो है थ्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के बटन पर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर जो है आपने ऑन कर लेना है, अपने अपना नंबर यहाँ पर लाजमी रजिस्टर करना है, फिर ही आप यहां से विड्रावल करवा सकते हो। अब मैं यहां पर बैक आ रहा हूं, बैक आने के बाद सबसे पहले आपने यहां पर करना क्या है, आपने अपना वैलेट क्रिएट करना है। वैलेट क्रिएट करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल का, आप चाहें तो यहां पर आएंगे मोर इन्फो पे जाएंगे, सारा वाइट पेपर जो है वो आपका इनको मिल जाएगा जिसमें ये सारी रियलिटी इस एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने बता दी है। उसके बाद एक्सटर्नल पर जाएंगे, क्रिएट अ न्यू वैलेट पर क्लिक करना, तो आपको ये वाले फ्रेजेज, ये आपका कह लें कि एक किस्म का पासवर्ड है जो ब्लॉकचेन के SHA-256 एल्गोरिथम के जरिए आपको जनरेट करके दिया जाता है। मुझे लग रहा होगा कि ये बात आपके सर से गुजरेगी, चलो खैर है यह बात आप छोड़ें। जस्ट ये आपको जो है 12 वर्ड का यहाँ पर जो है फ्रेजेज मिलते हैं जिसको आपने अपने पास सेव रखना होता है, जैसे ट्रस्ट वैलेट में आपको मिलते हैं या अदर वैलेट में आपको मिलते हैं। आपने सिंपली इनको यहाँ से कॉपी करना है, या फिर अगर आप चाहें तो इनका आपने एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है। ये आपके उस वक्त काम आएंगे जब आप किसी किस्म की, मिसाल के तौर पर ट्रांजेक्शन के वक्त तो ये काम नहीं आएंगे, लेकिन ये उस वक्त काम आएंगे मिसाल के तौर पर अगर आप अपना अकाउंट किसी दूसरे मोबाइल में ओपन करते हो, तो आप ये जो फ्रेजेज है इसके ज़रिए ही जो अपना चिली वैलेट का अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, आई हैव रिटन डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं वो सारे फ्रेजेज लिख देता हूँ जो इन्होंने मुझे अभी दिए थे, जिसका मैंने जो एक स्नैपशॉट लिया था, सारे फ्रेजेज इंटर करता हूँ, उसके बाद आगे चलकर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो दोस्तों स्नैपशॉट जो है वो आप नहीं ले सकते, मैंने स्नैपशॉट लिया था लेकिन जो ब्लैक आया है, ठीक है, वहाँ पर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने ऐप में जो है कोडिंग में इस तरह कोडिंग की हुई है कि कोई स्नैपशॉट फ्रेजेस का ले ही ना सके, ताकि लोगों की जो सिक्योरिटी है वैलेट की वो और इसको सिक्योर बनाया जाए। तो दोस्तों सीड फ्रेजेस को आपने हार्ड कॉपी पर नोट करके रख लेना है, उसको दोबारा आपने जब इंटर कर देना है, जब वो कंफर्मेशन मांगे कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो है उसी वक्त वैलेट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपके पास जितने भी कॉइन शो होंगे आप जब चाहो उसको विड्रा करवा सकते हो यहाँ पर। लेकिन आपको अभी एक बात बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, अभी इसको 1 वीक हुआ है तकरीबन, तो यहाँ पर अभी आप ली टोकन को विड्रा यहाँ से नहीं करवा सकते। ली टोकन इन गेम टोकन है, ये जो आपको टोकन अभी मिलेगा इसकी अभी किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं हुई, आप इसको यूज़ कर सकते हो अभी के वक्त के लिए NFT की बाय और सेलिंग के लिए। यहाँ पर अभी इनकी मार्केट प्लेस भी ओपन नहीं हुई, तो आपने ये बात सोचकर इस वीडियो को ये नहीं कहना कि ये फजूल वीडियो है जब विड्रा ही नहीं मिलेगा, लेकिन इसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है अर्ली फेजेज में, अभी इसकी बड़ी बड़ी अपडेट आनी है, सारी की सारी अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर मिलती रहेंगी। अब विड्रा की तरफ चलते हैं, मिसाल के तौर पर आपको बॉक्स में निकलाया चील टोकन USDT मिल गया, अब आपने इसको विड्रा कैसे करवाना। नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर आपका NFT भी शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी नज़र आ रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनांस की ब्लॉकचेन पर बिल्ड किया गया है। अब सीधा साधा फंडा है कि आपको तो मतलब है विड्रा से। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर कोई भी टोकन शो होगा, ली टोकन जैसे ही लॉन्च होगा, अगर इसकी लॉन्चिंग नहीं होती तो आप इसको NFT के बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपको यहाँ पर चील टोकन मिल सकते हैं, USDT मिल सकते हैं। तो आपने इसको विड्रा कैसे करवाना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर चील टोकन हो गए तो मैंने चील पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर विड्रा के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं कि भाई आप अपना चील का एड्रेस डालो, यहाँ पर आपको शो हो रहा है एक ऑप्शन एड्रेस का, तो यहीं पर सारी गेम जो है स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपने स्टार्ट जो विड्रा लेना होता है वो लेना होता है बिट मार्ट में, मैं शायद बिट मार्ट की एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में ना हो, लेकिन आपको मैं यहाँ पर
पर मेथड बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर बाइनांस है, ये बाइनांस को मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। सेम मेथड आपने यूज़ करना है किसी दूसरी एक्सचेंज पर जिसमें भी आप यहाँ से विड्रा लेना चाहो। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बाइनांस का मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, इसलिए मैं लॉगिन भी नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी स्टेप मैंने दूसरे मोबाइल में लगाया हुआ, वहाँ से मुझे लॉगिन पड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। सिंपल फंडा है, वैलेट में आप अपने जाओगे, जैसा कि आपको यहाँ पर वैलेट नज़र आ रहा है, बाइनांस में आपको यहाँ पर नज़र आता है। वैलेट पर क्लिक करोगे, ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आता है सेंड रिसीव का, डिपॉजिट विड्रावल का आपको बाइनांस में नज़र आएगा। आपने सिंपली यह क्या करना है, डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ये बोलेगा कि आप सर्च करें ऊपर के क्या डिपॉजिट करना है, क्योंकि बाइनांस पर यह टोकन लिस्ट नहीं है। तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है, बिट मार्ट इंस्टॉल करना है, बिट मार्ट पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। वहां पर आपने यहां पर जो है सेम वही मेथड है सारी एक्सचेंजेस पर विड्रा के लिए, वहां पर ये टोकन लिस्ट है, आप सीधा उसी में विड्रा लोगे। उसके वैलेट में जाओगे बिट मार्ट के, वहां पर ही आपको यहां पर इस कॉर्नर पर ही शो होगा, यहां पर आपको बाइनांस का होता है, सेम ऊपर आपको डिपॉजिट विड्रावल शो होगा। जैसे ही आप डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको यहां पर एक सर्च बार शो हो जाएगा कि आपने यहां पर जो क्या डिपॉजिट करना है। तो सिंपली आप चील लिखोगे तो आपके सामने चील शो हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर क्योंकि बिट मार्ट को मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप सिंपल उसको इससे जरिए विड्रा करवा सकते हो। चील आपके पास आएगा ऊपर, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर थीरियम मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है उसका एड्रेस नज़र आता है, यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पर। तो सिंपली आपने उस एड्रेस को कॉपी करना था, जैसे आपको यहाँ पर मेरा नज़र आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो भी आप कॉपी करोगे वैलेट एड्रेस बिट मार्ट से। उसके बाद कितनी अमाउंट भी ड्रा करवानी है, अमाउंट इंटर करोगे, नीचे कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके फंड जो ट्रांसफर हो जाएंगे बिट मार्ट के वैलेट में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चील टोकन जितने भी होंगे उसको सेल करना है, पैसे आपको यूएसडीटी मिलेंगे, सीधा उसको बाइनांस में लेकर जाएंगे, बाइनांस से जब चाहो आप विड्रा करवा सकते हो। तरीका लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अभी आपको यहाँ पर जितनी भी अर्निंग हो रही है आप उसको विड्रा ना ही करवाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मेरे पास कुछ ना कुछ अर्निंग होगी तो मैं लाइव विड्रा आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको चीली ऐप के रिलेटेड इतनी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।